दोस्तों आप जानना चाहते हैं गोरखपुरिया भौजी क्यों नहीं कोई कदम उठा रही है इन लोगों के खिलाफ, जो कि उनके आत्मसम्मान की बात है, उनके आत्मसम्मान पे घात कर रहे हैं, उन पे अश्लील चीजें कर रहे हैं, गंदे गंदे गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद गोरखपुरिया भौजी क्यों नहीं उनके लिए स्टेप ले रही है। तो गोरखपुरिया भौजी से मैं एक दो वीडियो बना भी चुकी हूँ, हो सकता है ना पहुँचाओ, क्योंकि हम बहुत छोटे यूट्यूबर हैं, एक समाज सेवी है तो समाज के लिए बातें रखते हैं, ना पड़ी हो उनकी नज़र, लेकिन गोरखपुरिया भौजी आपकी नज़र पड़ी हो तो ज़रूर इस बात को समझिए, क्योंकि हम जानते हैं कहीं ना कहीं आप सच के साथ हैं। पहले मैंने भी गोरखपुरिया भौजी के खिलाफ एक वीडियो बनाया था, मैंने उनको बोला था अलका मैडम की लाइव में कि मैंने भी आपके खिलाफ एक वीडियो बनाया था, लेकिन बाकी बात तो सुन नहीं पाई क्योंकि उनके हस्बैंड की तबीयत खराब थी शायद, तो वो चली गई थी लाइव से, तो बाकी बातें मेरी सुन नहीं पाई। एक वीडियो बहुत पहले मैंने बनाया था जिस पे मुझे लगा था कि शायद कुछ गलत दिखा मुझे, लेकिन मैंने जब उसे उनका देखा कि अश्लीलता के खिलाफ वो लड़ी है, जिससे कि हम एक समाज में जो चोर हो रही हैं गतिविधियां उन पर सवाल उठाते हैं, गलत चीज़ों को गलत ठहराते, सही चीज़ों को सही ठहराते हैं, तो मुझे लगा गोरखपुरिया भौजी अच्छा काम कर रही, तब से मैं उनके सपोर्ट में हूँ। हालांकि मैं जानती नहीं हूँ उनको कहाँ से क्या है, लेकिन एक समाज के लिए एक अच्छी चीज़ है तय करी उन्होंने, उसका असर भी हुआ, कई लोग आगे आए जो अश्लील चीज़ें कर रहे थे तो उन्होंने भी। लेकिन गोरखपुरिया भौजी आपका बहुत बड़ा प्यार है जनता का आपको, उनके मान सम्मान की बात है, अगर आपके मान सम्मान पे सवाल उठाया जाता तो उनके मान सम्मान की भी बात है। पुलिस प्रशासन हमेशा आपके साथ रहेगा, आप स्टेप लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत हो चुका, बहुत ज़्यादा लोग इसको हवा उड़ा के गलत टाइटल थंबनेल लगा के इन चीज़ों को बड़ा चढ़ा के कर रहे हैं, और सोशल प्लेटफॉर्म एक कचरा बन चुका है, इसे कचरा न बना के एक ऐसा स्टेप लीजिए कि आपको अपने मान सम्मान पे एक बात आए रहे। पब्लिक आपसे बहुत प्यार करती है, सच के साथ हमेशा रहती है, और हम सच के साथ हमेशा है। ऑलरेडी मैं घर से बाहर हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, तो उस वजह से मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो रही हूँ, नहीं अपडेट सही से दे पा रही हूँ। तो हमारा सच के साथ हम हमेशा हैं, और पुलिस प्रशासन तक ये वीडियो अगर जाता भी है आपका, तो वो कभी आपको सपोर्ट आके नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ खुद जाना पड़ता है, तो ज़रूर ये स्टेप लें। बहुत हो गया, कुछ दिनों में कंट्रोवर्सी चल जाती है, तो बहुत ज़्यादा ही चलता है, मतलब लोग भाई बिल्कुल अश्लील पे उतर जाते हैं, बात कंट्रोवर्सी की हो, व्यूज बढ़ाने की हो, ट्रेंड का हो, समझ में आता है, लेकिन लोग कुछ इतने पर्सनल मैटर में घुस जाते हैं, किसी के घर को नहीं छेड़ते, किसी के बच्चों को नहीं छोड़ते, उनकी बेटियों को गलत बोलते हैं, मतलब ये चीज़ें समाज के लिए बहुत घातक हैं, और सभी लोग देखते हैं ये, इन चीज़ों से दूर हटना चाहिए सबको, वरना आने वाला समय हमारे आने वाले पीढ़ियों को बहुत बुरी तरीके से डसने वाला है, बहुत गंदा असर छोड़ के जाएगा समाज में। तो दोस्तों प्लीज़ अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, डेली सुबह 8 बजे मेरी एक वीडियो आती है, उस पर ज़रूर जाइएगा, आपको नई नई चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी, और डेली 2 बजे मैं लाइव आती हूँ, लाइव से जुड़ी है कोई भी समस्या होती तो आप बता सकते हैं। तो थैंक यू, 2 महीने में आपने मुझे सक्सेस दी, प्यार दिया, और मेरे चैनल को 2 महीने में आपने कामयाब करके दिखाया, तो दिल से आप सभी का धन्यवाद। जो भी मेरे लिए नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, और मैं आपसे जुड़ सकूँ। डेली 2 बजे लाइव आती हूँ, लाइव में मैं सबको सपोर्ट करती हूँ, ओनली सपोर्ट के लिए आती हूँ, प्लीज़ अगर आपको किसी प्रकार का सपोर्ट चाहिए तो आप मेरे लाइव से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, दिल से आप लोगों का धन्यवाद।